नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। दिशा सलियन मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। तो मनसे ने खिसकते मराठी वोट बैंक को फिर से जोड़ने के लिए पुराना कार्ड खेला है। इस बार उसने आईपीएल मैच में खिलाड़ियों को लाने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल लाई जाने वाली बसों में तोड़फोड़ की है। वहीं आंगड़िया उगाही केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने डीसीपी डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी को ही आरोपी बनाकर मोस्ट वांटेड घोषित किया है। उधर पीएम मोदी ने आज प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों के साथ बैठक की, तो शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा है कि वे एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। इसी बीच सरकार ने कहा है कि वो आदिवासियों के जबरन और लालच देकर धर्मांतरण के मुद्दे पर एक समिति बनाएगी। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। ये जमानत मुंबई की दिंडोशी कोर्ट ने दी है। दिंडोशी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसयू बघेले ने ये आदेश सुनाया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर पिता पुत्र ने आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसके बाद परिवार की शिकायत पर मालवणी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों को 15,000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। साथ ही दोनों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की भी हिदायत दी गई है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका से पिता पुत्र ने अपने वकील सतीश मानशिंदे के माध्यम से उपनगरीय मलाड में दिंडोशी सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। प्राथमिकी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने 19 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सालियान की मौत के सिलसिले में कुछ दावे किए थे। इस दौरान उनके बेटे नितेश राणे भी वहां मौजूद थे। दिशा की मां वसंती सलियान की शिकायत पर पिता पुत्र के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वसंती सलियान ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से संपर्क किया था और सलियान परिवार को विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर बदनाम करने के लिए नारायण राणे, नितेश राणे और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बीएमसी समेत कई महानगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। ऐसे में मनसे ने खिसकते मराठी वोट बैंक को फिर से जोड़ने के लिए पुराना कार्ड खेला है। अपनी जोरदार उपस्थिति को जताने के लिए मनसे ने इस बार आईपीएल मैच के खिलाड़ियों को लाने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली बसों में तोड़फोड़ की है। यह घटना मंगलवार रात की है। तोड़फोड़ के बाद मनसे ने बसों पर पोस्टर भी चिपकाए हैं। मनसे का आरोप है कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टरों को इसका ठेका न देते हुए दिल्ली के ट्रांसपोर्टर को दिया गया है। मुंबई के ताज होटल के पास खड़ी बसों में ये तोड़फोड़ की गई है। इस मामले में मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में 5 से 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि आईपीएल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को होटल से लाने और ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाता है। मनसे का आरोप है कि इन बसों को महाराष्ट्र के बाहर से लाया जाता है, राज्य के ट्रांसपोर्ट्स को ये काम नहीं दिया जाता है। इसी बात से नाराज मनसे कार्यकर्ताओं ने बाहर से आई इन बसों में तोड़फोड़ की है। मनसे की मांग है कि आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों को लाने और ले जाने के लिए स्थानीय बस ट्रांसपोर्टर्स को काम दिया जाए। मांगों को अनसुना किए जाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। आंगड़िया उगाही केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने डीसीपी डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी को भी आरोपी बनाकर उन्हें वांटेड घोषित किया है। इस केस में अब तक 3 इंस्पेक्टर नितिन कदम, समाधान जमदाड़े और ओम वानगाते गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले पखवाड़े नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने सवाल किया था कि एफआईआर में अब तक सौरभ त्रिपाठी का नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ। पांडे के पदभार लेने के पहले से ही त्रिपाठी छुट्टी पर चल रहे हैं। इंस्पेक्टर ओम वानगाते को जब नई रिमांड के लिए मंगलवार को किला कोर्ट में पेश किया गया, तो रिमांड एप्लीकेशन में क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को भी आरोपी घोषित किया। एप्लीकेशन में सीआईयू ने लिखा कि इस केस में अब तक गिरफ्तार तीनों इंस्पेक्टर एलटी मार्क पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं। उगाही के समय इस जोन के डीसीपी सौरभ त्रिपाठी थे। उन्होंने अपने इंस्पेक्टरों को आंगड़िया के बिजनेस से जुड़े लोगों से उगाही करने के मौखिक निर्देश दिए थे। इस केस में 18 फरवरी को साउथ रीजन के एडिशनल सीपी दिलीप सावंत ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद सौरभ त्रिपाठी को जोन 2 से हटाया गया था। उसी दौरान आंगड़िया एसोसिएशन का दिसंबर 2021 का लिखा एक पत्र भी सार्वजनिक हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डीसीपी ने उनसे कहा था कि या तो वो उन्हें हर महीने 10 लाख रुपए रिश्वत में दे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बता दें कि डीसीपी सौरभ त्रिपाठी से जुड़े केस का इन्वेस्टिगेशन वही सीआईयू कर रही है, जिसके पिछले साल तक प्रभारी सचिन वजे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के सभी भाजपा सांसदों के साथ एक बैठक की। सूत्रों की माने तो पीएम ने आने वाले निकाय चुनाव राज्य में जारी राजनीतिक हलचल समेत कई मुद्दों पर सांसदों से चर्चा की है।
सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल द्वारा विधानसभा स्पीकर के चुनाव का राज्य सरकार का प्रस्ताव फिर एक बार लौटाए जाने के अलावा देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर और चंद्रशेखर बावनकुले जैसे भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से जांच की कार्रवाइयों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि भाजपा जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर शिवसेना के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री को सभी पार्टियों के सांसदों को बुलाना चाहिए था, वे प्रधानमंत्री है, लेकिन महाराष्ट्र के सभी भाजपा सांसदों को ही मीटिंग में बुलाया है। ऐसे में अगर मैंने कहा कि वे एक पार्टी के प्रधानमंत्री है क्या, तो क्या गलत सवाल उठाया? खैर कोई बात नहीं, शिवसेना के सांसदों की भी आज मेरे घर पर मीटिंग है, हम भी मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल भाजपा और शिवसेना की परस्पर विरोधाभासी बातें लगातार जारी है, कभी कभी हास्यास्पद स्थिति भी पैदा करती है। जैसे मोदी ने कल ही द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने का आह्वान करते हुए कहा था कि 32 सालों से जिस सच को दबाया गया वो सामने आया, सच हर स्वरूप में सामने आना चाहिए। तो पलटवार करते हुए कल विधानसभा में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए लोगों को थिएटर पर बुलाया जा रहा है और थिएटर में आने वाले लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है, इससे समाज में तनाव बढ़ेगा। आदिवासियों के जबरन और लालच देकर धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्य सरकार समिति बनाएगी और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार के पास जाएगी। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री केसी पाडवी ने विधानसभा में यह आश्वासन दिया है। भाजपा के डॉक्टर अशोक उइके ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए आदिवासी इलाके में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के मुद्दों पर सदन का ध्यान खींचा था। उन्होंने दावा किया कि अब तक 80 लाख आदिवासी ईसाई धर्म और 12 लाख इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हैं। धर्म बदलने के बाद भी ये लोग आदिवासी समाज के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, साथ ही ईसाई और मुस्लिम समाज को मिलने वाली सहूलियतों का फायदा भी उठा रहे हैं। दोहरा लाभ लेने से रोकने के लिए कानून की जरूरत है। इसके अलावा भाजपा के मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में भी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का दावा किया। जवाब में मंत्री पाडवी ने कहा कि आदिवासी कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन से जुड़ी संविधान की धाराएं 341, 342 बदलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन फिलहाल कानून बदलने की जरूरत नहीं है। पाडवी ने यह भी कहा कि आदिवासी का धर्म कौन सा है। इस पर भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने नाराजगी जताई और कहा कि मंत्री जिम्मेदारी से बात करे। भारतीय संविधान ने आदिवासियों को हिंदू माना है। सदस्यों की मांग के बाद मंत्री पाडवी ने समिति बनाकर विशेषज्ञों की राय लेने की बात कही। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने तंज कसते हुए कहा कि बीएसपी चीफ मायावती को अब आराम करना चाहिए। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी कमेटी को त्याग पत्र सौंपा है। तो भारत की झुलन गोस्वामी ने वनडे क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे कर लिए हैं। वो एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे में 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं और अब उन्होंने 250 विकेट लेकर नया कीर्तिमान बनाया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन की नीति को सही ठहराया है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगा है। पहली बार बीएसपी महज 12% वोट शेयर पर ही सिमट गई और सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिल पाई है। इसी पर तंज कसते हुए दलित नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने मायावती पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीएसपी चीफ मायावती को अब आराम करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब आरपीआई निभाएगी। आठवले ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश में बाबा साहब के सपनों को साकार करेगी और उत्तर प्रदेश में बसपा के सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगी। केंद्रीय मंत्री ने हिजाब के मसले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब जैसे ड्रेस का कोई महत्व नहीं है, शैक्षणिक संस्थान में स्कूल ड्रेस को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस बीच उन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी की भी तारीफ की। आठवले ने कहा कि इस तरह की फिल्में देश और समाज को उसके इतिहास से रूबरू कराने का काम करती है। वक्त मिलने पर वह भी इस फिल्म को जरूर देखेंगे। बता दें कि आठवले की सक्रियता अब तक महाराष्ट्र में ही रही है, लेकिन उन्होंने यूपी की राजनीति में भी दखल देने के संकेत दिए हैं। वह खुद को बाबा साहब आम्बेडकर की राजनीति का उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को पार्टी कमेटी को त्यागपत्र सौंप दिया है। बीते साल जुलाई में पहली बार पार्टी के राज्य प्रमुख बनाए गए सिद्धू
इससे पहले भी पद छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। खास बात है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा सौंपने की मांग की थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी ने यह फैसला किया था। बीते सप्ताह संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पंजाब में केवल 18 सीटें ही हासिल कर सकी थी। सिद्धू ने संक्षिप्त रूप में लिखा है कि आदरणीय मैडम, यहां मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इससे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख भी अपना पद छोड़ चुके हैं। कांग्रेस को 5 में से एक भी राज्य में सफलता हासिल नहीं हो सकी है। कहा जा रहा था कि पार्टी उत्तराखंड और गोवा में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन नतीजों में पार्टी को निराशा हाथ लगी। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने भी पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था, पर हाईकमान के आदेश की प्रतीक्षा पर रुका था। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर संघर्ष करता रहूंगा। महिला विश्व कप में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही भारत के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। भारत के लिए यह मैच भले ही कुछ खास न रहा हो, लेकिन झूलन गोस्वामी ने इसे अपने लिए यादगार बना लिया है। इस मैच में उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे किए। वो यह कारनामा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। 39 साल की झूलन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुकी है। वो एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे में 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं और अब उन्होंने 250 विकेट लेकर नया कीर्तिमान बनाया है। झूलन गोस्वामी ने वनडे के अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी कमाल की गेंदबाजी की है। उन्होंने 12 टेस्ट में 44 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 बार 5 विकेट और 1 बार 10 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 5 विकेट है, जबकि एक मैच में उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 78 रन देकर 10 विकेट रहा है। इसके अलावा झूलन ने T20 क्रिकेट में भी 68 मैचों में 56 विकेट झटके हैं और 5.45 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। बल्ले के साथ भी उन्होंने 405 रन बनाए हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से मैच गंवाने के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कमजोर हो गई है। इस टूर्नामेंट के 4 मैचों में यह भारत की दूसरी हार है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन की नीति को सही ठहराया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई भी संवैधानिक कमी नहीं है। इस नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रावधान के तहत सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे। अदालत ने सरकार से सेवानिवृत्त सैनिकों को 3 महीनों में बकाया का भुगतान करने के लिए कहा है। बता दें कि याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन ने सरकार के साल 2015 के वन रैंक वन पेंशन नीति के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने दलील दी थी कि ये फैसला मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ग के भीतर वर्ग बनाता है और प्रभावी रूप से एक रैंक को अलग अलग पेंशन देता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इस योजना की समीक्षा 5 वर्षों में की जाएगी, लेकिन भूतपूर्व सैनिक संघ की मांग थी कि इसकी समीक्षा 1 साल बाद हो। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद चल रहा था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र के फैसले में कोई दोष नहीं है और सरकार के नीतिगत मामलों में हम दखल नहीं देना चाहते हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे और 3 महीने में बकाया का भुगतान करे। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा दे सकती है, एक रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा संभव है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बकाया के साथ हाउसिंग रेंटल अलाउंस में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि डीए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। डीए में बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित होगी। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन के आधार पर दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन पर होती है।
अभी कुल महंगाई भत्ता 31% है, जो ऐलान के बाद बढ़कर 34% हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पूरे भारत में लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। पिछले साल सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया था। कोविड-19 महामारी के बावजूद इन कर्मचारियों को डीए इक्विपमेंट दिया गया। हालांकि इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी और गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन के किसी बड़े नेता की ये पहली भारत यात्रा हो सकती है। वहीं पाकिस्तान में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे इमरान खान सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो यूक्रेन जन के बीच रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिका और भारत के संबंधों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। इस बीच सऊदी अरब भी अपने स्कूलों में स्पोर्ट्स कैरिकुलम के रूप में योग को जगह देने जा रहा है। तो उधर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी को रूसी आक्रमण के बाद से 30 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक पड़ोसी देश चले गए हैं। अमेरिका ने अब तक गिने चुने यूक्रेनी शरणार्थियों को ही स्वीकार किया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी और गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन के किसी बड़े नेता की यह पहली भारत यात्रा हो सकती है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 2 साल से गतिरोध चल रहा है और दोनों तरफ से कुल करीब 1 लाख सैनिक आमने सामने है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह यात्रा होती है तो क्वाड और यूक्रेन युद्ध पर भी भारत और चीन के बीच चर्चा हो सकती है। साल 2020 के बाद चीन के विदेश मंत्री और भारतीय विदेशी मंत्री दोनों ही कई बार मिले हैं, लेकिन यह मुलाकात किसी दूसरे देश में हुई है। इस बीच भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय रिश्ते में सुधार लद्दाख सीमा विवाद सुलझाने के बाद ही होगा और इसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी चीन की ही होगी। विदेश मंत्री जयशंकर पिछले 2 साल से कई वैश्विक मंचों पर साफ करते रहे हैं कि किस तरह से सीमा गतिरोध और गलवान हिंसा ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर डाला है। अभी तक चीन ने भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं। गलवान हिंसा के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है। चीनी कंपनियों में टैक्स की चोरी भी पकड़ी गई है। ऐसे में संबंधों को सुधारने की भारी जिम्मेदारी चीन की भी बनती है और चीनी विदेश मंत्री का यह दौरा इस लिहाज से काफी अहम है। पाकिस्तान में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही इमरान खान सरकार को बड़ा झटका लगा है। इमरान सरकार में सहयोगी पार्टी PMLQ के नेता और पंजाब विधानसभा में स्पीकर परवेज इलाही ने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल PTI के सभी सहयोगी दल 100% विपक्ष की ओर झुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वह इसे फिर से अपनी ओर लाए। इलाही की पार्टी PMLQ केंद्र और पंजाब विधानसभा में इमरान खान की सहयोगी पार्टी है। उन्होंने 3 पार्टियों जमीयत, PMLN और PPP के विपक्ष गठबंधन को लंबे समय तक चलने वाला और स्थिर करार दिया है। इलाही का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तक इमरान को समर्थन देने वाली पार्टियों BAP, MQMP और PMLQ ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इससे पहले इमरान ने दावा किया था कि जनता विपक्षी नेताओं की बजाय उनके साथ खड़ी है। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले एक विशाल जलसे का आयोजन इस्लामाबाद में किया है। माना जा रहा है कि इसमें इमरान खान शक्ति प्रदर्शन करके विपक्षी दलों पर दबाव डालने का काम करेंगे। इमरान के सहयोगी दल अभी आपस में बैठक कर रहे हैं और उनके फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस राजनीतिक संकट में महत्वपूर्ण बात यह है कि BAP, MQMP और PMLQ के पास नेशनल असेंबली में 17 सांसद है। अगर ये विपक्षी दलों के साथ जाते हैं तो इमरान सरकार की संख्या घटकर 179 से घटकर 162 तक पहुंच जाएगी। यूक्रेन जंग के बीच रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिका और भारत के संबंधों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने कहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा। साथ ही अमेरिका ने चेतावनी भी दी कि भारत का यह कदम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतिहास के गलत पक्ष की ओर डाल देगा। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश अभी भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि भारत रूस से सस्ता तेल और अन्य सामान डिस्काउंट पर खरीदने पर विचार कर रहा है, वह भी तब जब अमेरिका ने रूस से सारे ऊर्जा आयात रोक दिए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता जेन पसाकी ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन का दुनिया के देशों को संदेश है कि वे अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करें। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत का तेल खरीदना प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, इस पर पासकी ने कहा कि मैं नहीं मानती हूँ कि यह उसका उल्लंघन होगा, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि आप किसके साथ खड़े हो रहे हैं। पसाकी ने कहा कि इस समय रूस का समर्थन करना हमले का समर्थन जैसा है और इसका विनाशकारी असर पड़ेगा। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है। यही नहीं, भारत रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा था। हाल ही के दिनों में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे चाहेंगे कि भारत रूस से जितना संभव हो सके दूरी बना ले। दुनिया भर में योग को स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद पसंद किया जा रहा है। अब सऊदी अरब भी अपने स्कूलों में स्पोर्ट्स कैरिकुलम के रूप में योग को जगह देने जा रहा है। सऊदी योग कमेटी के अध्यक्ष नोउप अल मारवाई ने कहा कि 2017 में ही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस कोर्स को मान्यता दे दी थी। इसके अनुसार अगर कोई योग सिखाना या उसे बढ़ावा देना चाहता है तो वह लाइसेंस लेकर अपना काम शुरू कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग के साथ यह सिलेबस शुरू किया जाएगा। नोउप ने कहा कि इस कोर्स से बच्चों को स्वास्थ्य लाभ होगा। बीते दिनों योग के फायदों को लेकर सऊदी स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बैठक भी थी। इस बैठक में स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया था। खबर के मुताबिक सभी श्रेणी के स्कूलों के अधिकारियों ने अपनी राय रखी। योगा इंस्ट्रक्टर और आनंद योगा स्टूडियो के फाउंडर खालिद जमा अल जहरानी ने कहा कि स्कूल हमें हमेशा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों का हर तरह से विकास हो। सऊदी स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच योग पर एक स्वास्थ्य लाभ परिचयात्मक व्याख्यान होगा। इस परिचयात्मक व्याख्यान में स्कूल के सभी प्रधानाध्यापक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हिस्सा लेंगे। बता दें कि अब योग को पूरी दुनिया में महत्व दिया जा रहा है। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर देश विदेश में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी को रूसी आक्रमण के बाद से 30 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक पड़ोसी देश चले गए हैं। अमेरिका ने अब तक गिने चुने यूक्रेनी शरणार्थियों को ही स्वीकार किया है। ऐसे में आलोचकों ने अमेरिका की नीति पर सवाल उठाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके टॉप अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने लगातार संकेत दिए हैं कि यूक्रेनी लोगों को शरण लेने के लिए यूरोप पहुंचना चाहिए। बाइडेन ने 11 मार्च को कहा था कि अगर यूक्रेनी शरणार्थी वाकई यहाँ आते हैं तो हम खुले मन से उनका स्वागत करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने 10 मार्च को कहा था कि प्रशासन का मानना है कि शरणार्थियों की सबसे बड़ी आबादी पड़ोसी देशों में रहना चाहेगी, जहाँ कई के रिश्तेदार और दोस्त रहते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस के साथ अमेरिका में शरणार्थियों को लाने के लिए काम करेंगे। 3 दर्जन से अधिक डेमोक्रेटिक सांसदों ने 11 मार्च को जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें शरणार्थियों के प्रवेश को बढ़ाने की अपील की गई थी। उन्होंने लिखा था कि संकट उन देशों पर भारी पड़ सकता है जो मौजूदा वक्त में कई यूक्रेनी शरणार्थियों की मेजबानी कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को इन देशों को मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।